स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी ढीली लग रही थी, लेकिन इंटरवल के बाद पिक्चर बहुत अच्छी है और एक्शन मूवी है। जॉन, काफ़ी दिन के बाद जॉन को देखने को मिला, बहुत अच्छा एक्शन किया है, पिक्चर टू दी पॉइंट है और जिसको एक्शन पसंद है उसको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। जॉन के सामने इमरान हाशमी तो फीके लग रहे थे एक्चुअली, क्योंकि पर्सनैलिटी वाइज और एक्टिंग वाइज भी जॉन ज़्यादा बेटर थे मेरे ख्याल में। फाइट शॉट में भी दोनों के, भी जैसे अलग अक्षय और जॉन होते तो शायद टक्कर दिखती, लेकिन इमरान हाशमी उनके सामने छोटे लग रहे थे थोड़ा सा। मुझे पिक्चर का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रैक्टिकल दिखाया है। अभी मैं क्लाइमेक्स बता नहीं सकती, लेकिन क्लाइमेक्स ने पिक्चर को उठा दिया ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, मुझे ऐसा कुछ तो नहीं लगा कि नहीं पसंद आई। टू दी पॉइंट पिक्चर बनाई है, मुंबई में जो वॉर सब होता है पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में, उसी को हाईलाइट किया है। तो ओवर एंड ऑल पिक्चर टू दी पॉइंट है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा ज़बरदस्ती कुछ ठूंसा है या गाने ज़बरदस्ती डाल दिए हैं या हीरो हीरोइन को ज़बरदस्ती में दिखाया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो मतलब हाँ, ये है कि इस तरह की बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं और आने वाली भी है आगे भी, लेकिन ये भी अच्छी थी, इसको बुरा भी नहीं बोल सकते। सॉन्ग एक ही है हनी सिंह का, वो अच्छा लगा। सॉन्ग की गुंजाइश भी नहीं थी पिक्चर में। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक पिक्चर का अच्छा है, टचिंग है, पूरा अच्छा लगा, मज़ा आया। 3 मुंबई सागा आई वुड लाइक टू से कि बहुत मतलब एक पैंडमिक के बाद एक वॉर एक्शन टाइप सीन्स देखने को मिले, और वो भी जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के बीच जो टफ फाइट है, स्पेशली सेकेंड हाफ में जो सीन्स है उनके, सो दैट इज़ आई ग्रैबिंग। सो आई थिंक मूवी ओवरऑल ठीक है, बट सेकेंड पार्ट इज़ द बेस्ट। इमरान हाशमी और जॉन अब्राहम की जो केमिस्ट्री आई मत से कि जो एक कपल की केमिस्ट्री होती है उससे भी ज़्यादा बेहतर थी। एंड ऑब्वियसली जॉन अब्राहम के जो डोले शोले है एंड देन द इंटेंस लुक ही गिव्स, सो आई थिंक जॉन अब्राहम ऑब्वियसली इमरान हाशमी पर थोड़े भारी पड़ गए। एक्शन सीन्स मुझे ज़्यादा बेहतर लगे और जो उन्होंने जो डायरेक्शन किया है, एंड एक गाना भी है बीच में जो ऑफ बीट जाता है, या थोड़ा ऑफ बीट जाता है, बट देन ओवरऑल मूवी में अगर देखा जाए तो एक्शन सीन्स जो है वो बेस्ट है। 3 फिल्म खुद इतनी अच्छी है, सारी बातें अच्छी हैं। जॉन अब्राहम, आप इमरान हाशमी की बात करें, संजय गुप्ता सर की डायरेक्शन की बात करें, सारा कुछ अच्छा है। देखिए, कांटे की टक्कर है, आप फिल्म जाके देखें और इन्जॉय करें। मतलब जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, संजय सर का डायरेक्शन और सुनील शेट्टी का जो गेस्ट अपेयरेंस है, काजल अग्रवाल, एवरीथिंग। अरे मचेगा शोर बाबा, मचेगा शोर। देखिए, मैं दोनों का फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दोनों का, जॉन अब्राहम का भी और इमरान हाशमी का भी। अब ये मेरे कहना बिल्कुल गलत होगा कि मैं किसकी ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे लिए 5 out of 5 है। मैं क्योंकि अलग टाइप का फ़ैन हूँ, संजय सर का फ़ैन हूँ, जॉन अब्राहम का फ़ैन हूँ, तो मेरे लिए तो 5 out of 5 है। मूवी तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, सब ने बहुत एक्टिंग भी अच्छी की है, अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा देख के। एक्चुअली थोड़ा अलग टाइप ऑफ रिएक्शन है उनका दोनों का, तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। आउट ऑफ 5 4 plus। सबसे अच्छा काम किसका लगा? इमरान हाशमी ऑफ कोर्स। और यो हनी सिंह का सॉन्ग भी, वो बीच में थोड़ा फनी लगा, मतलब सिचुएशन नहीं था फिर भी वो डाला गया था। आई मीन आई डिडंट लाइक इट टू बी वेरी ट्रू, बिकॉज मुझे ना तो स्टोरी में कुछ खासियत लगी, ना तो मुझे स्क्रीन प्ले में कुछ खासियत लगी, ऐसी लगी जैसे हर एक सीक्वेंस को मोड़ के किसी भी तरह से एडिट करके लिख दिया गया है, मतलब रख दिया गया है। तो इट वॉजेंट एज इंटरेस्टिंग एज आई थॉट इट वुड बी। इमरान हाशमी का कॉप रोल था और देयर वाज नथिंग मच दैट ही कुड डू अबाउट द रोल। ही वाज पिटेड अगेंस्ट जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम का चेहरा, फॉरगेट अबाउट इज एक्टिंग, उसका जो चेहरा था, पता नहीं उसके चेहरे को क्या हो गया था। बहुत ही ज़्यादा रिंकली, अजीब तरह से लग रहा था। इट इज़ अबाउट द वे ही मेंटेन्स हिमसेल्फ और व्हाट, बट ही वॉज लुकिंग वेरी ओल्ड फॉर सम रीज़न, एंड दिस इज विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ बॉडी शेमिंग। दैट्स आई पर्सनली फील दैट व्हेन यू आर फेसिंग द कैमरा यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ समहाउ। ऑन हिज फेस इट वॉजंट रिफ्लेक्टिंग, आई डोंट नो अबाउट हिज बॉडी। कोई बॉडी शॉट भी नहीं था इसमें, मतलब कोई बेयर बॉडी शॉट भी नहीं था। ओ माय गॉड, दैट सॉन्ग वाज देयर, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। 80s में कब हनी सिंह और वो पैंटी पहन के लड़कियां वैसे रैप में नाचती है, आई डोंट नो। मतलब इस फिल्म में डायरेक्टर का बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता दिखाया गया है उस अचानक से उस फिल्म को, मतलब गाने को स्क्रीन प्ले में इनकॉर्पोरेट करके। सो दैट वॉज अटर रविश, एंड दैट म्यूजिक वॉज रियली जारिंग, आई डिडंट क्वाइट लाइक द म्यूजिक इज वेल। रेटिंग 1.5 out of 5।
मुंबई सागा मुझे अच्छी लगी, और बात की जाए तो जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी को लड़ते हुए उनके एक्शन को देखना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। गाना बना दिया तो उनको फिट करना था, मुझे एज सच उस गाने की रिक्वायरमेंट लगी नहीं, पर ठीक है, ओके था। एक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक्शन बिटवीन जॉन अब्राहम एंड इमरान हाशमी। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मेरे फेवरेट इमरान हाशमी है, पर जॉन कहीं ना कहीं पछाड़ते हुए इमरान हाशमी को नज़र आए परफॉर्मेंस के मामले में। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता दूंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो आप लोग खुद देखिए और जानिए। आउट ऑफ 5 2.5 के आसपास, क्योंकि मुझे कई कई चीज़ें कमियां नज़र आई स्टोरी के मामले में, तो इसलिए इतना। मुझे संजय गुप्ता की फिल्में पसंद आती हैं आटे से ही। उनका जो मेकिंग ऑफ सिनेमा है वो काफ़ी ग्रैंडर, एक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छी होती हैं, और हमेशा मतलब जो एक कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं, मतलब ये आपको लगता है कि होगा कुछ ग्रे साइड, उस तरह से होगा, तो मुझे एक्शन और वो सारी चीज़ें अच्छी लगी। लेकिन जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये लगी कि जो मुंबई और अंडरवर्ल्ड और भाई और वो टाइम का जो 80 का जो हमारा जो एरा है उसके बारे में, मतलब हम लोग काफ़ी बार इस तरह की कहानियां हम पर्दे पे देख चुके हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे एक रिपीटेशन लगा। दोनों का बहुत अच्छा काम रहा, दोनों नहले पे दहला ही मैं कहूँगी, दोनों को मतलब डायलॉग्स वगैरह हो या एक्शन हो या परफॉर्मेंस वाइज हो, डायरेक्टर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि दोनों अपने अपने रोल में एक दूसरे पे नहले पे दहला साबित हों। हनी सिंह बहुत टाइम के बाद नज़र आए, और हम देखते हैं कि जब इस तरह की हैवी एक्शन फिल्में होती हैं जहाँ पर मार धार और बहुत इंटेंस और टेंशन चल रहा होता है, तो एक डायरेक्टर की सोच होती है कि वो एक गाना उसमें डाल देते हैं और सोचते हैं कि शायद वो ऑडियंस के लिए एक रिलीफ हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस तरह के इंटेंस और एक्शन ड्रामा में वो रिलीफ नहीं होता, वो एक डिस्टर्बेंस ही हो जाता है समटाइम।